जल निगम के अंतर्गत कुछ विशेष पदों की भरने की बात की गई है, तो वही कह रहा है कि जल निगम में जल्दी करी जाएंगी कितने पदों पर, 1489 पदों पर आपकी भर्ती। वैसे आप भी जानते हैं कि जब से केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय बनाया है, तब से कहीं कहीं आज हमारे राज्यों में भी और केंद्र में भी अलग अलग पर्याय इससे संबंधित हो गए हैं, चाहे वो नमामि गंगे से संबंधित हो, चाहे हर घर नल योजना से संबंधित हो, या अमृत सरोवर वगैरह को लेकर के हो। तो मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि सरकार जो है वो एक्टिव मोड में है, और इस एक्टिव मोड में होने के नाते अब विभिन्न प्रकार के पदाधिकारी की जरूरत है। तो उसी संदर्भ में जल निगम में कुछ पद खाली थे, तो उस कंडीशन में 1489 पदों को भरे जाने की बात की गई है। प्रमुख रूप से देखा जाए तो इसके लिए शासन को प्रस्ताव दे दिया जा चुका है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के पद होंगे, जैसे समूह का की जब बात की तो उसके लिए 37 पद हैं, समूह खा के लिए 172 है, और समूह गा के 1289 पद हैं। ध्यान रखिएगा, पहले समूह का की भर्ती ये आयोग नहीं करता था विशेषतः, लेकिन अब ये पूरा आयोग ही क्या करेगा, इन सारी भर्तियों को करेगा। इसमें भी समूह गा की जब बात की तो तकनीकी सेवा जो टेक्निकल फील्ड से संबंधित होते हैं उसके क्रम में 322 पद आके इसमें रिजर्व रखे गए हैं। अब सीन क्या हुआ, जनरली आप भी जानते हैं कि ये पद तो बहुत दिनों से खाली है, लेकिन हमारे यहाँ पे संविदा पे या ओवरऑल कह सकते हो कि जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उनको फिर से एक बार काम पे रख करके इस तरीके से पदों को चलाया जा रहा था, लेकिन अब जरूरत आपकी बढ़ती जा रही है तो इस कारण से अब ये पद आपके भरे जाएंगे। खासा जैसा कि हमने चर्चा भी किया कि पहले अधिकारी के पद जो होते थे वो अलग डिपार्टमेंट के द्वारा भरा जाता था, खास करके आयोग के माध्यम से, लेकिन अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो चाहे अभियंता हो, चाहे लिपिक हो, चाहे अधिकारी हो, इन सबको ही पूरा अधिकार दे दिया गया है जितनी भर्तियां हैं, तो ये सारी भर्तियां ये जल निगम कराएगा। तो विशेष ध्यान रखिएगा, अब जल निगम के अंदर ये अलग अलग पदों पे लगभग 1489 पद जल्दी भरे जाएंगे, क्योंकि इसका अध्याचन शासन को भेजा जा चुका है। विशेषतः कोई नई सूचना होती है, कोई नया इन्फॉर्मेशन होता है तो आप तक जरूर साझा करेंगे। आज के लिए थैंक यू, आदि।